हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मैंने देखो सोफ़ा कम्बर टैग मंगवाया था अमेज़ोन से। ये दोस्तों मुझे 5,000 का पड़ा है, तो चलो इसको जल्दी से अंदर रैप करके दिखाता हूँ कैसा है ये। और फिलहाल जो आता है ये देखो इस तरीके से आता है। ये डॉक्टर स्मिथ करके कंपनी है, उसका सोफ़ा है, सोफ़ा कम्बर है। तो चलो इसको जल्दी से अंदर रैप करते हैं। अंदर में दोस्तों देखो कुछ इस तरीके की आपको पैकिंग मिलेगी। ये इस तरीके की पन्नी में लिपट के आता है ये, और इसको भी जल्दी से हटा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये। तो दोस्तों ये देखो मैंने इसको अनरैप कर लिया है। अनरैप करने पे कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा ये। तो ये आप ये मत समझना कि सॉफ्ट है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड किस्म का ये है, अच्छा खासा हार्ड है। दबाओगे तो ये दबेगा नहीं अंदर। और मीडियम फर्म लिखा था लेकिन ये अच्छा खासा फर्म है। और ये 8 इंच वाला है ये, तो देखने से भी कुछ इस तरीके का लगता है ये। और बैठने पे तो आराम है, ये देख लो मेरी पीछे से लेकर के बैक, और इतना अच्छा खासा इसमें आपका पूरा सपोर्ट है पीछे। और इसके साथ में दो कुशन भी मिलते हैं आपको, ये कुशन भी दोस्तों आपको साथ में मिलेंगे इसके। और इसको लगाओ आप बढ़िया से, ये आपका दो लोगों का बैठने का है लेकिन 3 लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं। इंडिया में इतने ज़्यादा मोटे लोग तो है नहीं कि इसे 2 ही लोग बैठ पाए, तो 3 लोगों के लिए आराम से बैठने की जगह है। इसमें 4x6 का है, तो उस हिसाब से 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ये देखो तो मेरा पिछला सोफ़ा, ये 5x5 उसका है, 32 का, इसमें 3 लोग का है लेकिन ये इसमें आराम से 4 लोग बैठ जाते हैं। तो ये 4 का है तो इसमें समझो 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। तो इसकी लंबाई भी देखो इसके बराबर ही है, मेरे पिछले सोफे के बराबर ही है इसकी लंबाई भी, तो इसमें भी कोई नहीं। और इसमें जो ऊपर का ये कपड़ा है, ये मोटा कपड़ा इसमें दिया हुआ है, ये पतला नहीं है और ना ज़्यादा मखमली है। ये देखो ये मोटा कपड़ा है इसमें, मतलब सॉफ्ट नहीं है, मोटा कपड़ा है जिनमें ये ख़राब ना हो जल्दी। इसके ऊपर अपना कवर भी रख सकते हो इसके ऊपर और सही रहेगा। और ये इसके साथ में ये 2 कुशन मिले हैं, कुशन पे भी ये देखो मोटा कपड़ा लगा हुआ है, इसके आप अपने ऊपर से कवर चढ़ा सकते हो अपने मर्जी मुताबिक। सिलाई वगैरह भी दोस्तों देख लो इस तरीके की इसमें सिलाई है, बीच में इस तरीके का इसमें है कपड़ा, जो इसका ऊपर का ज़्यादा मतलब शाइनिंग वाला नहीं है, शो वाला मतलब कपड़ा नहीं है, कहने मतलब ये है। और इसके ऊपर आपको कुछ कवर वगैरह लगाना पड़ेगा, ज़्यादा सोफे पर रखते हैं वैसे। ये मोटा कपड़ा है तो ये मैं को बताना चाह रहा था और कुछ नहीं। इसमें दोस्तों ये देखो चैन वैन भी दी हुई है इसमें, जब आपको इसको लगे कि गंदा हो गया धोना है तो आप ये चैन यहाँ से खोल करके पूरी निकाल करके धो सकते हो। और इसमें स्टिचिंग वगैरह देख लो, इतने कोई अच्छी तो तरीके नहीं है, देखो यहाँ तिरछी इसमें कर रखी, मतलब एक लंबाई से इसमें है नहीं, कहीं पर यहाँ पर देखो बराबर से आ रही है, फिर यहाँ पर और यहाँ पे फिर थोड़ी सी ये देखो मुँह फैल गई है, और ये देखो यहाँ पे फिर से इस तरीके का है। तो ये है स्टिचिंग वगैरह। और कपड़ा दोस्तों ये इस तरीके का मोटा है, तो ये सब चीज़ें हैं 5,000 रुपये के हिसाब से तो ठीक ठाक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों खोलने पे कुछ इस तरीके का आपको फुल साइज मिलेगा, 4x6 का साइज है ये। 4x6 से तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, 4x6 का नहीं होगा ये, थोड़ा सा कम है, 4x8 जनाव है। अभी मैं इसको आपको नाप के बता दूंगा कितने हैं, लेकिन ये कि 8 इंच की इसकी मोटाई है। और ये देखो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मीडियम फर्म है, हल्का हल्का दबता है। इधर से मैंने लगाया और इधर से ये आ रहा है 5 फुट 10 इंच, तो ये 2 इंच छोटा है, 6 फिट में, तो ये 5 फुट 10 इंच इसकी लंबाई है। तो दोस्तों देख लो सोफ़ा कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगा, इसमें फिट कर दिया इसको हमने, तो इस तरीके से ये पूरा इसका लुक निकल के आ रहा है सोफे का। तो यही है दोस्तों।